हमारे साथ मौजूद है स्वामी मुस्कुराते जी, जो उनके चेहरे पर आप हमेशा हंसी देख सकते हैं और वो लोगों को हमेशा आपको हंसाते हुए नजर आएंगे। तो हम विश्वास दिवस के बारे में थोड़ा जानेंगे और कुछ हंसी सर विश्वास दिवस के बारे में आपको जब सब तरफ कहर हो, जब सब तरफ कहर हो, आतंक का जहर हो और ऐसे माहौल में मस्ती छाने, ऐसा हमारा उज्जैन दौर। अब आपके जनरेटर चालू कर रहे हैं हम। आज विश्व हास्य दिवस की मेला है, जो हंसते हैं वो राइट और हंसी का धर्म सद्भावना होता है, तो इसका बहुत आनंद होता है। जीवन में जितनी पॉजिटिविटी होगी, तनाव की नाव पर हम सवार न हो, बल्कि हम मस्ती और आनंद की बेतरणी को पार करने के लिए मस्ती और मुस्कुराहट के साथ खुशियों को बांटें। हम बांटते हैं दुनिया को मुस्कुराहट के लच्छे, हम बांटते हैं दुनिया को मुस्कुराहट के लच्छे और लोग कहते हैं हमको पागल, हम तो पागल ही अच्छे। विश्व हास्य दिवस असल में हमारे उत्सव धर्मियों के लिए हंसने और मुस्कुराने का वो उत्सव, वो धर्म गुण है जहाँ से हम उदासी को दूर करते हुए जीवन में मुस्कुराहट, हास्य, व्यंग और मस्ती को आत्मसात करें। परमपिता परमेश्वर ने हंसने और मुस्कुराने की विधा या हंसने मुस्कुराने की शक्ति केवल इंसान को दी है। यदि आप किसी जानवर को मुस्कुराता देखो ना, तो समझना अगले जन्म में ये इंसान होने की तैयारी है। और यदि किसी इंसान को रोतला, मनोज, सुंदर, उदास देखो, तो समझना कि ये परमपिता परमेश्वर की अनुपम भक्ति के वो हिस्से हैं जिसमें हमको मुस्कुराने का फलसफा प्राप्त। इंदौर वैसे भी हथेली की रेखाओं को तब्दील करने वाला शहर है, उत्सव धर्मियों का शहर है और यहाँ कोने कोने में मस्ती और आनंद दिला है। और मालवा के उज्जैन से स्वामी मुस्कुरा के किया गया हूँ। नहीं सीखी हमने रहने की, यह अपनी हार पे तकदीर का सपना सुनाने की, तकदीर का हर तीर भेटा, इसलिए हमें हर चीज की आदत हुई है। स्माइल गोस पर माइल, आप मुस्कुराएंगे आपको देखकर कोई और मुस्कुराएगा, सात समुंदर पार ये मुस्कुराट जाएंगे। इफ यू वीप, यदि आप रोएंगे, यू वीप अलोन, मुस्कुराइए, खेल खिलाइए, दिल मिलाइए, यही जिंदगी की मस्ती है, आनंद है। उज्जैनी का वासी हूँ मैं स्वामी मुस्कुरा के। वर्ल्ड में कई तरह के स्वामी आए जो ये प्रवचन देते हैं, बाबा साधु प्रवचनकार, हंसी के लिए, मस्ती के लिए, आनंद के लिए, और कहते हैं कि भौतिकताओं से दूर रहिए, अर्थ से दूर रहिए। वो अपने प्रवचन के 10-20 लाख रुपए ले, मैं तो 100% डिस्काउंट पे मुस्कुराता हूँ। और ये मुस्कुराहट जितनी बांटते हैं, कई गुना आपके शरीर में ऊर्जा के रूप में समाहित होती है। और मुस्कुराहट ही लक्ष्य होना चाहिए, यही हमारा धर्म होना चाहिए, यही फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है, और जीत कर खुश हुए तो क्या हुए, हार कर भी मुस्कुराइए, आपकी मुस्कुराहट भी ला जाएगी। हंसी हमारे आसपास मिलती है, ये किसी परचूनी की दुकान पे नहीं मिलती है, राशन पे नहीं मिलती है, और ना इसके लिए आधार कार्ड की जरूरत है। हंसी तो मस्ती है, देखे जलेबी हंसी होती है, लंकेश हंसी होती है, लंकेश हंसी यानी पूरा अट्टास होता है, में इंदौर में कई कार्य किए हैं। डॉक्टर निशा जोशी जी कृपया मंच पर पधारें, नारी शक्ति के रूप में नहीं आई हैं। पूर्व पार्षद दिलीप जी कौशल, पार्षद जी का भी बड़ा जलवा होता है। प्रोफेसर साहब हमारे यहाँ प्रकाश चित्रोड़ा जी पार्षद रहे, अब उनके पार्षद के साथ प्रॉब्लम होती, सुबह सुबह ही फोन प्रारंभ हो जाता है, तो वो प्रकाश चित्रोड़ा जी को किसी की प्रॉब्लम थी, उन्होंने बोला था प्रॉब्लम दूर नहीं हो रही आप करिए, तो बोले मेरे कहने से क्या होगा, बोले आपके जीवन चलाने से तो नाली साफ हो जाती है। तो पार्षद जी भी कहीं व्यस्त है, बजाइए इस बार में 1-2। और डॉक्टर बेंद्रे जी को भी मंच पर आमंत्रण है, डॉक्टर बेंद्रे साहब।
के जी शर्मा साहब, एडीएम साहब मंच पर पधारे रहे। उत्सव धर्मी एडीएम मैंने पहली बार आवाज बाहर नहीं है आपका पेट दुखने लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ghamasan.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानुप्रिय। आज विश्व हास्य दिवस के मौके पर हम आए हैं यहां पर, और यहां पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है योगी मनोज जी द्वारा। तो हम उनसे जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में और अब आप नीचे के बारे में। सर, सबसे पहले आज विश्व हास्य दिवस है तो ये क्यों मनाया जाता है और इसके बारे में जो बातें हैं वो आप बताएं। सभी को हंसी भरा नमस्कार। विश्व हास्य दिवस क्यों मनाया जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अभी वर्तमान तनाव भरे युग में जबकि मनुष्य हंसना तो भूल, मुस्कुराना भी भूल चुका है, तब इस दिवस की आवश्यकता पड़ी। 40 से ज्यादा प्रकार की हंसी यहाँ इस मंच के द्वारा संचालित की जा रही है द्वारा हमारे साथ और अंतर्राष्ट्रीय कवि प्रोफेसर राजू शर्मा जी भी। हास्य दिवस के आयोजन का यह कार्यक्रम मेरे मस्तिष्क में विचार इसलिए आया कि जहाँ भी मैं लोगों को देखता हूँ सभी के चेहरे उदासी से भरे हुए हैं, गमों से भरे हुए हैं, तनाव से भरे हुए हैं, तो क्यों ना हम मुस्कुराएं। ऐसे इसी बात को विचार में रखते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया, इसमें 1,000 से ज्यादा लोग उपस्थित आपकी बाहर से नहीं आना चाहिए। सबसे पहले आपके मन में पीस ऑफ माइंड हो, पीस ऑफ माइंड के बाद में चेहरे पर स्माइल हो, और हंसी तो जनरेट की जा सकती है, हर बात पर आप हंसाने का ये मौका हमने ढूंढा है विश्व हास्य दिवस पर। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है वर्ड लाफ्टर डे पर नहीं हंसे। अभी आपको लाइव जाने लगे, आपने देखा होगा तो ये दुकान वाले बहुत बता रहे हैं मनुष्य मानव जीवन को जन्म लगा, बहुत मुश्किल से हमें मानव जीवन मिला है। और दूसरी बात कि हंसने और मुस्कुराने का वरदान ईश्वर ने मनुष्य को ही दिया, किसी भी प्राणी या जंतु को जनरेटर मुस्कुराते हुए नहीं देता। तब उनके लाइव सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।